नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह ने एक नई राजनीति पैदा करने के लिए कर्नाटक चुनाव से पहले गुजरात के अमूल दूध को कर्नाटक के सबसे बड़े दूध ब्रांड नंदिनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमूल बनाम नंदिनी के पीछे की राजनीति क्या है, क्यों ये मुद्दा कर्नाटक चुनाव में इतना बड़ा होता जा रहा है। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। नंदिनी दूध बनाम अमूल दूध को मुद्दा बनाने की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 2022 को, जब कर्नाटक के मांड्या में अमित शाह की एक रैली होती है। यहां से वो ऐलान करते हैं कि अमूल और नंदिनी दोनों मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी खोलने की दिशा में काम करेंगे। 3 साल बाद कर्नाटक के हर गाँव में प्राइमरी डेयरी होगी। अमित शाह के इस बयान के 3 महीने बाद 5 अप्रैल 2023 को अमूल एक ट्वीट करता है। ट्वीट में लिखता है, जल्द ही कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में अमूल के आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट तो पहले से बिकते हैं, लेकिन अब दूध और दही भी बेचे जाएंगे। इस ट्वीट के बाद कर्नाटक में #SaveNandini और #GoBackAmul ट्रेंड करने लगा। क्यों? क्योंकि नंदिनी कर्नाटक का कोऑपरेटिव डेयरी ब्रांड है। इस पूरे विवाद को गुजरात मॉडल के राजनीतिक विरोध और कन्नड़ अस्मिता से जोड़कर बड़ा किया जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी कथित गुजरात मॉडल के दम पर ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद से देश विदेश में गुजरात मॉडल चर्चा में आया था। बेशक अमूल मोदी के गुजरात मॉडल की देन नहीं है, नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अमूल मॉडल देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में गुजरात मॉडल में ही अमूल को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विवाद के पीछे का दूसरा कारण कन्नड़ अस्मिता का राजनीतिक मुद्दा नजर आता है। असल में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और जेडीएस लंबे समय से कन्नड़ अस्मिता के मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं। इसमें अमूल के विरोध को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इन विवादों के बीच भाजपा और विपक्ष की नजर सीधे तौर पर उन 26 लाख से ज्यादा किसानों पर है जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह की डेयरी का दबदबा कर्नाटक के गांवों और छोटे शहरों में खूब है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए डेयरी से जुड़े किसान और उनका परिवार एक मुश्त वोट बैंक है। ऐसे में कर्नाटक की विपक्षी पार्टियों को डर है कि अगर अमूल नंदिनी के संग विलय कर लेता है और भाजपा कोई बड़ा प्रलोभन दे देती है तो पूरा वोट बैंक एक लय में भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकता है, मगर इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है और कर्नाटक के किसान भाजपा से खफा हो सकते हैं। आपको जैसा बताया कि कर्नाटक के 16 जिलों के 26 लाख से ज्यादा किसान कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी नंदिनी के साथ जुड़े हैं। 2021-22 में नंदिनी ने 19,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। खैर, बात अगर नंदिनी दूध की करें तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का दूध महज 39 रुपए प्रति लीटर बाजार में बिकता है, जबकि अमूल का दूध इससे काफी महंगा है। कर्नाटक में नंदिनी की पैठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले बेंगलुरु के बाजार में 30 से 35 लाख लीटर दूध की खपत रोज है, जिसकी 70% आपूर्ति अकेले नंदिनी दूध करता है। बाकी 30% में बाकी के बचे 15 से 16 अन्य ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में नंदिनी के कारोबार का बंटवारा सीधे तौर पर अमूल के साथ कर देना नंदिनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अब अगर अमूल के मुकाबले तुलना करेंगे कि नंदिनी प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों हैं, तो इसके पीछे कारण है कि कर्नाटक सरकार इस पर सब्सिडी देती है। साल 2008 में येदियुरप्पा की सरकार ने 1 लीटर दूध पर 2 रुपए की सब्सिडी की शुरुआत की थी। उसके बाद सिद्धरमैया की सरकार ने इस सब्सिडी को 2 गुना कर दिया। इसके बाद फिर 2013 में येदियुरप्पा की सरकार ने सब्सिडी 6 रुपए प्रति लीटर कर दिया। ज्यादा सब्सिडी मिलने की वजह से नंदिनी के प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। अमूल की बात करें तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का बयान है कि उसकी कमाई वित्त वर्ष 2022-23 में 18.5% बढ़कर 55,055 करोड़ रुपए हो गई। GCMMF के कुल टर्नओवर में ताज़ा उत्पादों की हिस्सेदारी 50% है, जबकि आइसक्रीम की मांग में 41% और उपभोक्ता उत्पादों में सालाना आधार पर 23% का उछाल आया है, जबकि चीज़, मक्खन, USD दूध, दुग्ध पेय पदार्थ, पनीर, क्रीम, छाछ और दही जैसे उत्पाद सालाना 20 से 40% की दर से बढ़े हैं। सिर्फ गुजरात की ही बात करें तो 18,600 गांवों में GCMMF के 36 लाख से अधिक किसान सदस्य हैं और 18 सदस्यीय यूनियन हैं।
खैर, दूध चाहे नंदनी का हो या अमूल का, इन दिनों दोनों ही तगड़ा राजनीतिक उबाल मार रहे हैं। हालांकि अमूल पर केंद्र सरकार की कृपा है तो नंदनी को बचाए रखने के लिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि इनकी लड़ाई में कर्नाटक की जनता किसे चुनती है। इस खबर को और ज्यादा गहराई से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर छपी नंदनी बनाम अमूल खबर को पढ़ सकते हैं। साथ ही ऐसी और खबरें पढ़ने के लिए भी हमारी हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट को पढ़ते रहें। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।